दोस्तों गैस एजेंसी पर जाकर गैस सिलेंडर बुक कराने वाले लोगों को अब अपनी आदत में बदलाव करना होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह से गैस बुकिंग नहीं कराई जा सकेगी। दोस्तों केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग करने का निर्देश दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मतलब मोबाइल से ही आपको गैस की बुकिंग करनी होगी। तो दोस्तों क्या है मामला और सरकार ने अभी अभी क्या ये फैसला लिया है, तो पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में ये जो बेल आइकन है इसको दबाकर स्क्रॉल पे आपको जरूर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आपको कमेंट पाना है और यहाँ पे आपको लिख के बताना है कि आपके पास कौन सी कंपनी का गैस कनेक्शन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों पहले क्या होता था, जैसे ही हमारा कोई भी गैस की टंकी चाहिए होती तो हम सीधा गैस एजेंसी पहुंचकर वहां से आतवाद बुकिंग करवा के हम गैस भरवा के लेके आ सकते थे। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने अलग ही नियम कर दिए हैं कि दोस्तों अभी जो जुलाई महीना चल रहा है इसके लिए 80% दोस्तों उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल से डिजिटल तरीके से गैस को बुकिंग करवाइए। दोस्तों ऐसा गैस कंपनियों को निर्देश दे दिया गया, जो एजेंसियां हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। और दोस्तों जो भी पेमेंट ले रही हैं वो भी कैश ना लेके डिजिटल पेमेंट से आप कैश का पेमेंट लीजिए। तो ये दोस्तों 80% लक्ष्य दिया है कि उनको 80% जो है इस तरीके से करना होगा। और साथ ही में दोस्तों सिलेंडर घर पहुंचाने वाले कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि इसके मुताबिक सिलेंडर जो भी डिलीवरी करने वाला कर्मचारी को अपने मोबाइल ऐप पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर, डिलीवरी ऑथेंटिक कोड को दर्ज कराना होगा। और तेल कंपनियों का कहना है कि दोस्तों ऐप पर DSI दर्ज कराने का फायदा यह होगा कि इसकी लोकेशन दर्ज होने के साथ ही सिलेंडर सही व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अभी भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं दोस्तों, गैस बुक कराने के बाद भी सही उपभोक्ता तक सिलेंडर नहीं पहुंच पाता है। हालांकि दोस्तों अभी जो डिजिटल पेमेंट है वो सिर्फ जो उज्ज्वला योजना है उनको बाहर रखा गया है, सिर्फ उज्ज्वला योजना के जो बेसिक गैस कनेक्शन है उनके लिए ये अभी सुविधा दी गई है, ये फैसला लिया गया है। जो उज्ज्वला योजना है उनके लिए अभी कोई भी डिजिटल पेमेंट वगैरह उनके कोई सुविधा नहीं है, आप डायरेक्ट जाके गैस भरवा सकते हो।